हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस कलेक्शन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ये सैत्रोन कंपनी का बोर्ड लेकर आया हूँ, जो आप देख सकते हो एक पीस की क्वांटिटी आती है इसके अंदर, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो आप, सैत्रोन ब्रांड का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर लिखा हुआ ऑडियो वायर्ड सर्किट प्रिंटेड बोर्ड, और यहाँ पर ऊपर की साइड ऐसा मिल जाएगा, और यहाँ आपको इसके अंदर टिकला का मिल जाएगा, जो कि इसमें है 7297 IC बेस्ड मोनो एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि स्टीरियो चैनल की IC होती है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोर्ड आपको कुछ इस टाइप से पन्नी में पैक होके मिलेगा, और यहाँ पे आपको देखिए होलोग्राम मिल जाएगा, जो कि इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड दिखने में ठीक ठाक है। तो मैं इसकी पन्नी हटा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं फटाफट से पन्नी हटाता हूँ। तो ये देखिए, ये बोर्ड आपको देखने में कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसके अंदर लग रही है यहाँ पे सामने TDS 7297 IC, और इसके जस्ट बराबर में 7805 वोल्टेज IC रेगुलेटर मिल जाएगा आपको, जो कि ब्लूटूथ कार्ड की सप्लाई के लिए होएगा। और इसके कनेक्शन बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई लगानी है, जो इस डायोड से होके पास होके जाएगी। और फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लग रहा है 2200 microfarad 25 volt का। यहाँ आप देखिए जो ये रेड वाली वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, जो कि डायोड से होके कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे जाएगी। और ये ब्लैक वाली वायर ग्राउंड है। यहाँ आप देखिए पीछे की साइड ये डायोड लग रहा है और एक कैपेसिटर लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी साइड की सप्लाई बताता हूँ मैं आपको, जो आउटपुट में लेनी है। ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ कैपेसिटर लग रहा है फिल्ट्रेशन के लिए 100 mFD 25 volt का, जहाँ पर आपको 5 volt की सप्लाई मिलेगी, रेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी आपको, कोई अलग से पावर सप्लाई नहीं लगानी ब्लूटूथ कार्ड के लिए। तो यहाँ पे आप थर्ड पिन पे देख सकते हो, ये थर्ड पिन पे जो है +5 volt होता है, और इसके बराबर में ग्राउंड है। यहाँ से आपको सप्लाई उठा के डायरेक्ट कार्ड के अंदर लगानी है। इसके अलावा आप यहाँ पे और कनेक्शन बताऊँ मैं, तो यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट मिलेगी जो इस बोर्ड को चलाने के लिए होगी, जो कि राइट लेफ्ट और सेंटर में ग्राउंड होएगा, आपको प्रिंट मिलेगा। और पीछे आप यहां पे सोल्डरिंग कर सकते हो। मैं आपको इसके कंप्लीट कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। यहां पे आपको ये स्टीरियो IC है, तो इसके दोनों साइड में आपको स्पीकर आउटपुट मिलते हैं, प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है लगाते वक्त। तो ये एक चैनल की आउटपुट आपको इस तरफ से मिलेगी, जहाँ पर आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरे चैनल की आउटपुट जो है आपको दूसरी साइड मिलेगी। एक ए चैनल हो गया, एक ए चैनल होगा, स्टीरियो IC होती है ये। और इसके लिए आपको बास्टेबल आप लगाओ तो लगा सकते हो, वरना इसके अंदर एक ऑडियो गेनर सर्किट दिया हुआ होता है, जो कि ये वाले दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं यहाँ पे BC547, जो कि इस इनपुट को बूस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दो ट्रांजिस्टर है, और ये इस IC के अंदर जाएगी सप्लाई। आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनपुट देके चला सकते हो इस बोर्ड को। और क्वालिटी देख सकते हो आप, कंपोनेंट्स की ठीक ठाक क्वालिटी है, और रेजिस्टेंस भी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, PCB भी अच्छी है। और यहाँ पे आपको मैं हीट सिंक दिखाता हूँ, तो हीट सिंक आपको चेंज करनी पड़ेगी, लाइट हीट सिंक है, हीटिंग इशू रहता है इस बोर्ड के अंदर। तो मैं अभी हीट सिंक भी चेंज करूँगा इसकी, फिर आपको दिखाऊँगा साउंड टेस्टिंग करके। बाकी बोर्ड का साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और आपको ये 15+15 watt दे देता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने BT 3.0 की किट लगाई है इसमें, जो कि ब्लूटूथ कार्ड है। कनेक्शन में आपको दिखाता हूँ, और इसकी हीट सिंक देखिए मैंने चेंज करके थोड़ी हैवी हीट सिंक लगा दी है, अब इसका हीटिंग इशू बहुत कम हो चुका है। तो मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मैंने आपको प्लस माइनस बताए थे, यहाँ सप्लाई लगा देंगे हम। और ये रेजिस्टेंस देखिए मैंने यहाँ पर चेंज करी है अपने हिसाब से, मैंने रेजिस्टेंस लगाई है यहाँ पे 22K की रेजिस्टेंस लगाई है, ताकि बेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं इसका एक साइड, और एक साइड मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, ताकि हाई मिड मिले। ब्लूटूथ कार्ड के कनेक्शन आप देख लीजिए, ब्लैक वाला ग्राउंड है, और उसके बराबर में 5 volt, और लेफ्ट ग्राउंड और राइट बाकी 3 wires है। डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर कर दिए मैंने, और यहाँ 12 volt की सप्लाई लगाई है, जो कि मैंने इस ट्रांसफॉर्मर से ली है। और यहाँ पे आप स्पीकर देख लीजिए, मैंने ये वाला चैनल में 22K की रेजिस्टेंस चेंज करी थी, ताकि मैं यहाँ पे बेस के तौर पे यूज़ करूँ, ये मेरा 10 inch वूफर है।
और यहाँ पे जो है मैंने दो चीज़ें लगाई है, जो कि यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है ताकि हाई मिड की तरह यूज़ कर सकता हूँ मैं ये चैनल। और यहाँ पे मैंने एक स्पीकर और एक ट्विटर लगाया है। ये देखिए ट्विटर मैंने 1 इंच का फोर्स ट्विटर लगाया है और 1 3 इंच का स्पीकर लगाया है मिड के लिए, जिसमें मैंने सीरीज में 105J का कैपेसिटर लगाया है पॉलिस्टर, ताकि केवल मिड फिल्टर होके जाए। तो मैं अब इसकी आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसके अलावा और कोई वायर्स नहीं गई हुई है इसके आसपास में, केवल ट्विटर स्पीकर रखा है और बाहर की तरफ जो 2 वायर जा रही है वहीं पे है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कैसी लगी आप सभी को साउंड टेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़ करना है तो आपको इसकी हीट सिंक चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी चेंज करनी पड़ेगी ताकि अच्छी क्वालिटी की साउंड मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन की, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नई अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। yeah!